नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर थाना क्षेत्र के परोरिया गांव स्थित झरूला स्थान के पास शुक्रवार 22 सितंबर की दोपहर बाद हथियारबंद बदमाशों ने समूह से पैसे की वसूली कर दल सिंहसराय ऑफिस जा रहे भारत फाइनेंशियल इनक्लूजन के कर्मी से 2,60,000 रुपए लूट लिए तथा सलेमपुर की ओर भाग निकले। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दल सिंहसराय SDPO तथा उजियारपुर थानाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार घटना स्थल पर पहुंच मामले की छानबीन करते हुए पीड़ित कर्मी के आवेदन पर दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रेतर कार्यवाही में जुट गए हैं। घटना के संबंध में दल सिंहसराय शाखा के संगम प्रबंधक राजकुमार राय का बताना है कि वे भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन दल सिंहसराय शाखा के संगम प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। रोजाना की भांति वह शुक्रवार 22 सितंबर को दल सिंहसराय स्थित शाखा से कंपनी के ग्राहकों से रुपए की वसूली करने उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांद चौट गांव पहुंचे थे, जहां संस्था से जुड़े लोगों से राशि की वसूली कर वे थाना क्षेत्र के ही बेलामे व सलेमपुर गांव में भी रुपए का कलेक्शन करने चले गए। तीनों जगहों से वसूले गए कुल 2,60,932 रुपए एक बैग में रखकर डिक्की में रख लिए तथा दल सिंहसराय स्थित कार्यालय के लिए अपनी बाइक से चल दिए। दल सिंहसराय शाखा जाने के क्रम में ही स्प्लेंडर बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाशों ने झरूला स्थान के पास उनकी बाइक को ओवरटेक करके रोका तथा हथियार के बल पर उनकी बाइक की डिक्की में रखा रुपयों से भरा बैग, एक टैब व एक बायोमेट्रिक मशीन आदि लूट लिया और भाग निकले। इस बाबत पूछे जाने पर थानाध्यक्ष उजियारपुर डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि भारत फाइनेंशियल इनक्लूजन कंपनी के कर्मी से हुए लूट मामले में कंपनी के संगम प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।